वहां मिलिटेंट मारेंगे हम समझते हैं, मगर मिलिटेंट के साथ साथ जो वहां इल्जाम लगा है कि जो घर का रहने वाला था, जो घरवाला था, उसको शील्ड बना के लेके गए, ये उसके घरवाले कहते हैं, वो भी मर गया और एक जवान डॉक्टर आपकी तरह बिल्कुल यंग मुदस्सिर नाम का डॉक्टर वो भी मारा गया। कि मिलिटेंटों के साथ लड़ते लड़ते आपने आम लोगों को भी गोली का निशाना बनाना शुरू कर दिया है, ये बहुत गलत बात है। मुझे मालूम है कि आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो इस वक्त जो यूथ है उनकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम बेरोजगारी है, इसका इनके पास इलाज नहीं है। बेरोजगारी का इलाज नहीं है, किसान पूरे एक साल से दर दर हो रहा है, उसका कोई जवाब नहीं है। इनके पास एक ही मशीन, एक ही फैक्ट्री जाती है, वो है हिंदू मुस्लिम झगड़ा करा। उसके बाद यूपी, अब महाराष्ट्र, क्योंकि जून जून इलेक्शन यूपी के नजदीक आएंगे, लोगों के पास जब पहले सरकारें जाती थी वो बोलते थे हमने इतने पुल बनाए, इतने लोगों को रोजगार दिया, इतनी फैक्ट्रीज लगाई, इतना काम किया, इनके पास कहने को कुछ नहीं है, नहीं निकलेगा सिर्फ हिंदू और मुसलमान का झगड़ा करा। कल शाम जो हैदरपुरा में एक मुबैना एनकाउंटर हुआ और जिसमें एक नौजवान डॉक्टर की मौत हुई, वो मामला तकाजा करता है कि एक साफ शफाफ जुडिशल प्रोब हो ताकि असल हकायक जो है वो मंजरेआम पर आ जाए। इसके अलावा जो मायते हैं उनको ज़रूरत इस बात की है कि उनको उनके लवाकिन के हवाले किया जाए ताकि उनकी तदफीन हो। राइट टू डिसेंट बरियल एक इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ में माना हुआ एक हक है और उस हक से इन्हराफ नहीं किया जा सकता है, वो बस इस वजह से कि लैंड ऑर्डर प्रॉब्लम है या उसका अंदेशा है। ये पुलिस की जिम्मेदारी है कि वो लॉ एंड ऑर्डर संभाले रखे, लेकिन लवाहिकीन को महरूम नहीं किया जा सकता है और न ही जो मैयत हैं उनको महरूम किया जा सकता है राइट टू डिसेंट बुरियल से, ताकि लवाहिकीन का जो हक है उनकी तदफीन करने का, अपने जो भी जो रिवायत हैं, जो भी शरी मामलात हैं उनके मुताबिक वो उनसे उनकी उनसे महरूम नहीं किया जा सकता। एक और अलमिया कल शाम को ही हैदरपुरा में एनकाउंटर के वक्त दो आम शहरियों की जाने चली गई। किस कदर दर्दनाक दौर से गुजर रहे हैं हम। एक घरवाला वो दो दिन पहले ही बाहर से आया था बच्चों से मिलने के लिए, और दूसरा डॉक्टर किराए पर था। अब क्या कहानी बनेगी, क्या तावीलात होंगी सरकार की तरफ से, लेकिन उनके लवाहिकीन बार बार यही फरियाद कर रहे हैं कि ये दोनों मासूम हैं, दोनों का ताल्लुक नहीं है किसी भी अनलॉफुल ऑर्गेनाइजेशन के साथ। सरकार का दावा है कि हम कानून की बालादस्ती चाहते हैं, लेकिन आजकल जो भी देखने को मिल रहा है ऐसा लग रहा है कि कानून की हिफाजत नहीं बल्कि कानून की पायमाली हो रही है। हमारा मुतालबा है कि जुडिशल इंक्वायरी की जाए, तहकीकात की जाए, ताकि सच्चाई सामने आ जाए। वो तो नहीं आएंगे, आप जिंदा नहीं हो सकते, लेकिन कम से कम उनके लवाहिकीन को तशफी होगी कि उनके साथ ऐसा सलूक क्यों किया गया। और ये दावे कि कानून की हुक्मरानी है, हमारा मानना है कि कानून की इस कदर वायलेशन करके अमन कायम हो नहीं सकता, तो इसीलिए हमारा मुतालबा है, जोरदार मुतालबा है कि बगैर किसी लातलाल के पर्दाधारी चलेगी नहीं, जुडिशल इंक्वायरी की जाए और
उनको उनके लवाहिकीन को उनकी लाशें सुपर्द की जाए। मगर एक बहुत छोटा सा तबका है और जिसको हमेशा बताता हूँ कि वो अपने फायदे के लिए किसी यूथ को गुमराह करने की पूरी कोशिश करता है। ठीक है, जैसे आप कल का एक ऑपरेशन देखिए जिसके अंदर एक आदमी अपने आप को डॉक्टर बना करके किस तरह की डिग्री के साथ में एक फेक कॉल सेंटर चलाता है अपने उस इलाके के अंदर। उसके पास हैदरपुरा जैसी जगह के अंदर एक अच्छा बढ़िया ऑफिस है, वो एक आम आदमी नहीं बना सकता, मगर वो वही आदमी बना सकता है जो किसी गलत पेशे के अंदर लग करके बाहर से पैसा कमाए, अंदर से गलत किस्म से पैसा कमाए, कुछ लोगों को टेररिस्ट बनाए, यूथ को गलत रास्ते पे लेके जाए ताकि उसका घर परिवार अच्छा चलता है। वो डॉक्टर बन जाए, उसके परिवार बाहर पढ़ाई करें, मगर कोई ना कोई यूथ हथियार पकड़ के मारा जाए, उसको फर्क नहीं। देखिए बहुत अच्छा सवाल आपने करा है। पहली बात है, मुझे कई बार लोग ये पूछते हैं कि चिनार को और दिल जीतने के लिए क्या कर रहा है कश्मीर के लिए। मुझे लगता है कि आज की तारीख में हमें दिल जीतने के लिए कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। जो पूरी आम जनता है उसका हमारे पर बहुत भरोसा है और बहुत कॉन्फिडेंस है, उनको मालूम है कि हम किस रास्ते से काम करते हैं, हमें उसकी ज़रूरत ही नहीं है। आई थिंक वी हैव अचीव दैट लेवल।